हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। इंटेलिजेंस ब्यूरो की नोटिफिकेशन आउट हुई है जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जर्नल एग्जामिनेशन 2022 की नोटिफिकेशन है ये। इसमें इस बार स्टेट में कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं ये भी बताया गया है और लोकल लैंग्वेज का सारा गेम है, ठीक है। जो लैंग्वेज हमें आती है हम उन स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमें हिंदी आती है, पंजाबी आती है, तो हम उन स्टेट्स के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई है। अगर मैं हर स्टेट की वैकेंसी बताने बैठूंगी तो मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की 1525 वैकेंसीज है, एमटीएस और जर्नल 150 वैकेंसीज है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये मांगा गया है कि 10th पास होने चाहिए आप। तो 10th पास बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। इसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस स्टेट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपको बताइए, आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप एमटीएस जर्नल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद जो रिलैक्सेशन हमें मिलती है वो तो सारी यहाँ पे गिवन ही है। इसके बाद अब पेपर में क्या आएगा, अब देखो, चाहे वो आप एसए का पेपर दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव का दे रहे हो, एमटीएस का दे रहे हो, जर्नल का दे रहे हो, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपके पास ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। और पेपर 100 नंबर का पेपर है और 1 घंटा टाइम है जिसमें जीके आनी है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जर्नल स्टडीज, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। उसके बाद टीयर 2, ये भी सारे पोस्ट के लिए एक कॉमन पेपर है जिसमें आपको ऑफलाइन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है जी। 40 मार्क्स का होगा और 1 घंटा आपके पास टाइम होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगला पार्ट ये है, अगर आप सिर्फ एसए और एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक पेपर और देना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, स्पोकन एबिलिटी भी देखी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपका एसए और एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन है। हाँ जी, अब अप्लाई कैसे करना है, आप www.mha.government.in की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर www.ncs.government.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोर्टल कब वर्क करेगा, यहाँ पे मेंशन है फॉर्म फिल करना 21 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो है 10th of February, मतलब 10 फरवरी तक तुसी पेपर नू फिल कर सकते हो। हाँ जी, अब फीस कितनी फिल करनी है आपने, फीस जो आपकी रहेगी वो डिवाइड की गई है 2 पार्ट्स में कि एक तो एग्जामिनेशन फीस है 50 रुपीज, एक उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है 450, मतलब आपको जो फीस देनी होगी वो 500 रुपए तक की फीस होगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने फीस कैसे देनी है, ठीक है जी। ये वाला ये जो नोटिफिकेशन है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे सो दैट आप वहां पे डिटेल में नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी नोटिफिकेशन का फटाफट पता चल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, यूट्यूब को फॉलो करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।